शेयर बाजार में जितना लंबा निवेश मुनाफा उतना ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बाजार के दिग्गज लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने की सलाह देते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफ्रीज ने लंबी अवधि के लिए कुछ शेयरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 शेयरों को शामिल किया है। इन शेयरों पर 5 साल के लिए पैसा लगाने की राय दी गई है। जेफ्रीज ने उम्मीद जताई है कि अगले 5 साल में इन शेयरों में 15 से 25% का कंपाउंडिंग रिटर्न बन सकता है। जेफ्रीज की इस लिस्ट में पहला नाम एम्बर इंटरप्राइसेस का है। एम्बर इंटरप्राइसेस को PLI स्कीम्स का फायदा मिलने की उम्मीद है। कारोबारी साल 2030 तक कंपनी की अर्निंग्स में 36% की कंपाउंडिंग ग्रोथ आ सकती है। इसके अलावा भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी का भी कंपनी को फायदा मिलेगा। अंबुजा सीमेंट को मांग और कैपेक्स में बढ़त का फायदा मिलेगा। कैपेसिटी डबल होने से कामकाजी आय में 19% कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है। वही ग्रीन पावर में निवेश से कॉस्ट में कमी आने की उम्मीद है। एक्सिस बैंक भी जेफ्रीज की लिस्ट में शामिल है। एक्सिस बैंक की कारोबारी साल 2029 तक लोन ग्रोथ में 17% और अर्निंग्स प्रति शेयर यानी EPS में 18% ग्रोथ की उम्मीद है। डिजिटल लैंडिंग और सब्सिडरी में बढ़ोतरी से भी बैंक को फायदा की उम्मीद है। भारतीय एयरटेल से भी अगले 5 साल में मोटे रिटर्न की उम्मीद है। कंपनी की कारोबारी साल 2030 तक कामकाजी आय में 13% कंपाउंडिंग ग्रोथ की उम्मीद है। कैपेक्स के चलते कंपनी का फ्री कैश फ्लो में भी 21% की बढ़त आ सकती है। इस सब वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE में 25% की बढ़त आ सकती है। JSW एनर्जी में भी निवेशकों का लंबी अवधि में पैसा बन सकता है। कारोबारी साल 2030 तक कंपनी की पावर कैपेसिटी में 3 गुना बढ़कर 20 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है और इस बढ़त में ग्रीन एनर्जी का शेयर 80% तक रह सकता है। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी जेफ्रीज की लिस्ट में शामिल है। LNT देश का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। कारोबारी साल 2030 तक कंपनी की आय में 15% की कंपाउंडिंग ग्रोथ देखी जा सकती है और भारत सरकार के कैपेक्स में बढ़त का फायदा कंपनी को मिलेगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी जेफ्रीज की दाव लगाने की सलाह है। जेफ्रीज को लगता है कि मजबूत हाउसिंग डिमांड का कंपनी को फायदा मिलेगा। अगले 5 साल में कंपनी की प्री सेल्स में 17.50% की कंपाउंडिंग ग्रोथ दिख सकती है। कंपनी की मुंबई में मौजूदगी का भी फायदा मिलेगा। मैक्स हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं तो मैक्स हेल्थ केयर की अगले 5 साल में आई 17% और एबिटा 20% की बढ़त देखी गई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दाव लगाने की सलाह है। बैंक की लोन ग्रोथ 13% बढ़ सकती है। ग्रोथ बढ़ोतरी में बड़ी भागीदारी रिटेल लोन्स की हो सकती है। TVS मोटर्स को 2-व्हीलर डिमांड में बढ़त और EV ट्रांजिशन का फायदा मिलेगा। इससे कंपनी के वॉल्यूम में 12% की बढ़त आ सकती है और EPS में भी 26% की बढ़त देखी जा सकती है। Zomato जेफ्रीज की लिस्ट का आखिरी शेयर है। जेफ्रीज को उम्मीद है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कारोबार में बढ़त से मुनाफा बढ़ सकता है और अगले 5 साल में कंपनी का मुनाफा 20 गुना तक हो सकता है। जेफ्रीज का मानना है कि ये सभी शेयर भारत के कैपेक्स में बढ़ोतरी के आधार पर तय किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय बाजार को FPIs और DIIs का सपोर्ट मिल सकता है। जेफ्रीज का मानना है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के चलते भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 2030 तक $10 ट्रिलियन को पार कर जा सकता है, यानी अगले 5 साल भी भारतीय बाजार का जलवा कायम रहेगा। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और रही आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।